मूल है जिसका, दृढ़ है सम्यक ज्ञान तना, है चरित्र शाखाएं जिसकी, पूर्ण है विकसित और घना, रहता है आकीर्ण हमेशा मुनिगण पंछी के द्वारा, उन आचार्य महातरुवर के चरण चढ़ाऊं स्तुति धारा। आज दस लक्षण पर्व का उपांत दिवस, सेकेंड लास्ट डे, आकिंचन्य धर्म का 80 के आसपास की बात है। आचार्य श्री सागर में विराजमान थे और वहाँ बोलियाँ रग रही थीं। उन बोलियों में 1301 पर वो बोली बहुत दिनों तक रुकी रही। 1301 आचार्य श्री बार बार सुनते सुनते, उस दिन जब आचार्य श्री के लिए प्रवचन का समय आया तो आचार्य श्री ने 1301 पर ही प्रवचन दिया। 13 वास्तव में क्या है, 13 एक आत्म तत्व ही अपना है, बाकी और कुछ अपना नहीं। ना अस्ति किंचन इति अकिंचन, तस्य भावा अकिंचन। आकिंचन्य धर्म के लिए त्याग के बाद में कहा गया है, त्याग में हमने कुछ छोड़ा है तो ये भाव बना रहता है कि ये हमने कुछ त्याग किया है, लेकिन आकिंचन धर्म कहता है कि जो हमारा है ही नहीं, हम उसका त्याग क्या कर सकते हैं। आचार्य अमरचंद जी ने समय सार की टीका करते हुए एक धोबी का उदाहरण दिया। धोबी के पास में व्यक्ति पहुंचता है कि हमारे वस्त्र दे दो, हमारी चद्दर दे दो। उस समय में वो देता है तो कहता है ये तो हमारी नहीं है। तो धोबी कहता है कि अभी अभी कोई सज्जन उसको लेकर के गए हैं, मैं अभी वापस ला करके देता हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं ही वहाँ चला जाता हूँ और ये चादर उनको दे करके अपनी चादर वापस ले लूँगा। वहाँ पर पहुँचते हैं, पूछते हैं तो कहते हैं कि वो तो शयन कर रहे हैं। तो कहते हैं उनको बुलाओ, तो उनकी पत्नी कहती थी कि आप ही जा कर के उनको जगाइए, और वो वहाँ पर जा कर के उनको जगाते हैं। जगाने के कई तरह के तरीके होते हैं, कुछ लोग फैन ऑफ करके जगा लेते हैं, कोई लाइट जला करके जगा लेते हैं, कोई लोग हिला करके जगा लेते हैं, और कभी कभी कई लोग नाक दबा देते हैं, उससे भी व्यक्ति को उठना ही पड़ता है। तो वो उठे और उनसे कहा कि भाई ये चादर हमारी है। पहले तो उनको विश्वास नहीं होता, लेकिन बाद में वो जब कुछ चिन्ह बताते हैं तो उनको विश्वास हो जाता है कि ये चादर इनकी है, और उस समय में उसको छोड़ने में देर नहीं लगती। वहाँ पर चादर खींच करके उनके मित्र ने उसको उठाया था। इसी प्रकार से गुरुवर उपदेश में हमारे लिए कि ये चादर जिसको कि हमने अपना मान रखा है शरीर को, ये हमारी नहीं है। लेकिन साधारण व्यक्ति को विश्वास नहीं होता कि ये शरीर हमारा नहीं है। वास्तव में जब मरण हो जाता है, शरीर यहीं छूट जाता है, इसके अंदर जो आत्म तत्व है वो चला जाता है, उस पर विश्वास करना वही हमारा है, संसार में और कुछ हमारा नहीं। कन्हैया लाल प्रभाकर ने एक घटना का वर्णन किया कि व्यक्ति अपने मकान को दिखाने के लिए लेकर के गया और वहाँ पर पूछता है कि आपको ये मकान कैसा लगा। उन्होंने कहा कि अच्छा लगा, लेकिन उनको उस समय में लगा कि ये मकान हंस रहा है और ये मकान कह रहा है कि इसके पहले इसका बाप भी यही बोलता था कि ये कैसा लगा, इसका दादा भी यही बोलता था, और अब उनकी फोटो यहाँ पर टंगी हुई है, और
उस छेद में रहने वाली दीमक, जिसमें से एक छोटी सी दीमक भी उनकी उन तस्वीरों को थोड़ी देर में नष्ट कर सकती है। तो वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वो मकान हंस रहा है, वो कह रहा है कि अपना स्वामित्वपन मेरे ऊपर दर्शा रहा है, वास्तव में तो इसकी ये दास्ता है। परिग्रह जीव के लिए बांध लेता है, परिग्रह की परिभाषा में भी असमंतात बदनाती थी परिग्रह, जीव के लिए परिग्रह बांध लेता है। आचार्य कुंद महाराज ने अहमिक खो खलु सुद्दो दंसन नाण मयो सयारूवी नबी अत्थि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम, कि ज्ञान दर्शन यही मेरे हैं, वास्तव में और कुछ मेरा नहीं। हम अपनी पहचान, कोई अपनी पहचान ऊंचाई से, कोई रंग से, कोई नाम से, कोई डिग्री से, लेकिन ये सब हमारी पहचान क्षणभंगुर हैं। जैसे ही इससे प्राण निकले कि सारी पहचान हमारी यहीं पर छूट जाएगी। तो हम अपनी पहचान किससे करें? आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार सूत्र में लिखा है, उपयोगो लक्षण, जीव का उपयोग लक्षण है। आप कभी भी किसी भी गति में जीव को देखें, वहाँ पर ज्ञान दर्शन उसके पास में हमेशा विद्यमान रहते हैं। और हम जो हमारे नहीं हैं उनसे हमारी पहचान करते हैं, तो वैसी ही स्थिति होगी कि एक बार एक व्यक्ति सामान लेने के लिए किसी किराने की दुकान पर गया, सामान खरीदा, बड़ा पैसा दिया और उसके पास में खुले नहीं थे, उसने कहा कल ले जाना, और वो आकर के घर में सोचता है कि मैंने किस दुकान से सामान खरीदा था रात्रि में सोते समय में। फिर कहता है मुझे ध्यान आया कि वहाँ पर एक गाय बैठी हुई थी। दूसरे दिन जाता है और जहाँ गाय बैठी थी वहाँ पर दुकान पर जाकर कहता है कि भैया कल हम सामान ले गए थे, हमारे पैसे वापस करो। वो पूछता है काय का सामान ले गए थे? तो कहा किराने का सामान। तो अपनी दुकान को दिखाते हुए कहता है कि देख रहे हो काय की दुकान है? तो वो व्यक्ति कहता है कि तुम तो बड़े धूर्त चालाक हो, तुम्हें पैसे वापस ना लौटाना पड़े इसलिए तुमने एक दिन में अपना धंधा ही बदल दिया। सुन करके आपको हंसी आ रही है, लेकिन वास्तव में यदि हम ऐसी अपनी पहचान करेंगे तो हम अपने आप को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह किंचन धर्म हमारे वास्तविक स्वरूप से हमारा परिचय कराता है। राजवार्तिक में दो प्रकार के जीवों के बारे में कहा है, एक होते हैं मेंढक के समान और एक होते हैं मछली के समान। मेंढक को पानी से दूर करने पर भी वो जीवित रह जाता है, और मछली के समान यदि उसको पानी से दूर किया जाता है तो वो मरण को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे भी जीव होते हैं जो परिग्रह से इतने आसक्त रहते हैं कि जब उनसे परिग्रह छूटता है तो उनके भी प्राण निकल जाते हैं। सहजानंद जी वर्णी ने एक उदाहरण दिया है कि एक घर में एक चूहा था और वहाँ के मालिक ने कुछ 20 सिक्कों को एक थैली में रखा था। उसकी नज़र, चूहे की नज़र उस पर पड़ गई, उसने सारे सिक्कों को वहाँ से निकाल करके अपने बिल में रख लिया। वो रोज उन सिक्कों को बाहर निकालता, उन पर उछल कूद करता, एक एक उठा करके फिर अंदर रख लेता। एक दिन मालिक की नज़र उस पर पड़ गई कि अरे मेरे सिक्के कहाँ गए थे, यहाँ पर ये चूहा ले गया था। और वो देखता रहा कि एक एक सिक्के वो बाहर ला रहा है। उसने थोड़ा इंतज़ार किया और जब उसको लगा कि पूरे सिक्के आ गए हैं, उसने वहाँ से उठा लिए। जब वो चूहा बाहर आया तो उस समय में वो इतना बेचैन हो गया, इधर उधर खोज करता है, और जब उसको वो सिक्के नहीं मिले तो उसने अपने प्राण छोड़ दिए। परिग्रह की आसक्ति के कारण में ऐसी स्थिति होती है। तो इस परिग्रह के स्वरूप को समझ करके परिग्रह पाप से मुक्ति आकिंचन धर्म हमको दिलाता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। स्वामित्व बुद्धि पर पदार्थ के प्रति कि ये मेरा है, ये व्यक्ति के लिए दुखी करती है। एक अफीमची, जो अफीम का नशा करने वाला था, रात्रि के समय में एक नदी के किनारे वहाँ पर लेटा हुआ था
और देखा उसने कि एक बड़ा सा लश्कर आकर के नदी के किनारे वहां पर रुका, तंबू गढ़ने लगे और बहुत सारे लोग वहां पर आकर के बस गए। तो उसने कहा कि मैंने भगवान से मिन्नत की थी कि घर ना जाना पड़े, यहीं मेरे लिए व्यवस्था कर दो, लगता है भगवान ने मेरी व्यवस्था कर दी। और बड़ी प्रसन्नता के साथ में खुश होते हुए कल्पनाओं में उसको कब नींद आ गई पता नहीं पड़ा। और जब सुबह होने पर तंबू उखड़ने लगे तो उसने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम रात्रि में विश्राम के लिए आए थे, अब हम जा रहे हैं। तो उसने कहा, नहीं नहीं ये भगवान ने हमारे लिए भेजी थी। तो कहता है कि हम लोग अपनी मर्जी से आए थे, अपनी मर्जी से जा रहे हैं, अपने नशे से बाहर आओ। वो व्यक्ति वहाँ पर दुखी होता है। इसी प्रकार से संसार में हम बहुत सारी कल्पनाओं के जाल बुन करके उसमें अपना अपना मानते हैं, वास्तव में सब ये भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ने वाला ये आकिंचन धर्म है। एक सेठ ने नौकर को काम करते हुए जो पुरानी घड़ी थी उसके हाथ से टूटने पर बहुत डांटा। रात भर सेठ बेचैन रहा और उसको ऐसा भाव आया कि ये आसक्ति के कारण मैं दुख हो रहा हूँ, मैं दुखी आसक्ति के कारण हो रहा हूँ। और उसने मन में सोचा और उस दूसरे दिन उस नौकर से कहा कि कल मैंने तुमको डांट दिया था। और कुछ ऐसा होता है कि मैं जब कुछ करना चाहता हूँ तो कुछ गड़बड़ हो जाती है, मैं ये घड़ी तुमको देने वाला था लेकिन तुम्हारे हाथ से टूट गई, अब किसी के काम की नहीं रही। आज रात्रि में सेठ आराम से सोच रहा है क्योंकि उसने उस पदार्थ को अपने वहाँ पर ममत्व की बुद्धि से छोड़ दिया था, लेकिन वो नौकर आज रात्रि में बड़ा बेचैन था। वो ये सोच रहा था कि काश मेरे हाथ से वो घड़ी नहीं टूटी होती तो आज वो मेरे पास होती। परिग्रह की आसक्ति ऐसी स्थिति बनाती है। परेशान कौन होता है? जो पर का ईशान, पर का स्वामी होता है। कोठी का सौदा हुआ कि नहीं, यहाँ पर कोठी में आग लग गई और सेठ रोने लगे। लड़के ने आकर के कहा कि आप क्यों रो रहे हो, इस कोठी का तो सौदा हो गया है। उस समय में सेठ हंसने लगते हैं। इसी बीच में दूसरा लड़का आकर के कहता है कि जो सौदा हुआ था वो तो रद्द हो गया। और उस समय में सेठ फिर से रोने लगते हैं। बच्चा जब कोई खिलौना टूट जाता है तब रुदन करता है। इसी प्रकार से बड़े बड़े लोग जिसमें आसक्त रहते हैं वो वहाँ पर टूटता है, छूटता है तो बड़े बड़े लोग भी रुदन करते हैं क्योंकि वास्तविक स्वरूप से परिचित नहीं। इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं, यदि ये दृष्टि हमारी बनी रहे तो हम बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं में भी इस साम्य भाव के कारण, इस अकिंचन भाव के कारण में समता के साथ में रह सकते हैं। चार प्रकार की मन स्थितियाँ होती हैं। कुछ लोग अकेले में रहते हैं और अकेले में जीते हैं, ये उत्कृष्ट साधक होते हैं। कुछ लोग भीड़ में रह करके भी अकेले में जीते हैं, ये भी एक साधना है। सबके बीच में रह करके अपने स्वरूप को पहचानते रहें। तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं व्हाट आई हैव, मेरे पास क्या है। दूसरे लोग इनसे ऊपर उठ करके व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूँ। और तीसरे सर्वोच्च कोटि के व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ। जब इस पर दृष्टि जाती है तो अपने स्वरूप को जान करके कि इस संसार में सारे संबंध होते हैं, जिस प्रकार से आचार्य पूज्यपाद महाराज ने इष्ट उपदेश में कहा, दिग्देशेभ्य खगायित्य संवसंती नगे नगे स्वस्वकार वशाद्यांति देशे दिक्षु पृगे पृगे। एक वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी रात में एकत्रित हो जाते हैं, प्रातःकाल में अपनी अपनी दिशा में चले जाते हैं। एक ट्रेन में अलग अलग स्टेशंस पर लोग बैठ जाते हैं और उनमें काफ़ी मेल मिलाप हो जाता है। जब अपने अपने स्टेशन पर उतरने लगते हैं तो कई लोग रोते हैं,
कई लोग नंबर नोट करते हैं, दुखी होते हैं। वास्तव में संसार में इसी प्रकार की स्थिति है, जो अपने स्वरूप को पहचान जाता है वो फिर कभी भी इसके कारण दुखी नहीं होता। कुछ लोग अकेले में रह करके भी भीड़ में जीते हैं, कल्पनाओं का जाल, जैसे कि अभी अपन ने अफीम जी के बारे में देखा था। और कुछ लोग भीड़ में ही रहते हैं और भीड़ में ही जीते हैं, ये बहुतायत लोगों के साथ में होता है, और वो वहाँ पर अपना जीवन दुखी होकर के ही व्यतीत करते हैं। एकत्व की अनुभूति इस आकिंचन धर्म के माध्यम से होती है। आप लोग पढ़ते हैं, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते, मेरे ना हुए ना मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज मैं पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला। ऐसी एकत्व की अनुभूति योगीगण करते हैं। कभी कभी एकत्व की अनुभूति साधारण व्यक्ति भी करता है। तीन दशाओं में होती है। एक राग की दशा में, जिस बेटी को पाला पोसा और विवाह होने पर उसको विदाई करने पर पिता को ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं, मैं अकेला रह गया। कभी कभी एकत्व की अनुभूति घर में रहते हुए भी, सास बहू के बीच में, पति पत्नी के बीच में, बिना बोले रहते रहते कई दिन निकल जाते हैं और उस समय लगता है कि कोई हमारा नहीं। और तीसरी जो अनुभूति होती है वीतराग दशा में, जहाँ पर वस्तु स्वरूप को समझ करके कि संसार में जितने भी संबंध हैं वो सब संयोग हुए जरूर हैं लेकिन वियोगमय हैं, सर्वे संयोगा विप्रयोगांता, इस दृष्टि से वहाँ पर वो एकत्व की अनुभूति भीड़ में भी करते रहते हैं। राजर्षि नाभि पीड़ित थे, उनके लिए दाह ज्वर हुआ था, बहुत पीड़ा होती थी, पूरा शरीर जलता था, और वैद्य ने बताया कि इनके लिए मल्यागिर का चंदन घिस करके लगाया जाए। उनकी बहुत सारी पत्नियां, दासियों से क्या काम कराना, हम लोग ये कार्य करेंगे, और जब वो चंदन घिसने लगी तो वहाँ पर उनकी चूड़ियों के शोर के कारण उनकी पीड़ा और ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने कहा कि बंद करो, तो बताया कि आपके लिए ही चंदन घिसा जा रहा है। और उनकी पीड़ा का निवारण करने के लिए सब ने अपनी अपनी चूड़ियों को उतार करके मात्र एक चूड़ी अपने कलाई में रखी, और उनको ऐसा लगा कि चंदन घिसना बंद हो गया है, लेकिन चंदन भी पीड़ा को हरने में कारण हो सकता है। तो उन्होंने पूछा, क्या चंदन घिसना बंद हो गया? उन्होंने कहा कि नहीं, चंदन तो अभी भी घिसा जा रहा है, लेकिन अब एकमात्र चूड़ी होने से वहाँ पर कोई भी आपस में संघर्ष नहीं और शांति का वातावरण है। राजा के लिए दृष्टि प्राप्त हुई कि संसार में संयोग के कारण संघर्ष होते हैं, एकत्व भाव में कहीं पर भी संघर्ष नहीं है। और उन्होंने कि यदि ये मेरी व्याधि ठीक होती है तो कल मैं पूर्ण एकाकीपन को प्राप्त करूंगा। और उनके संकल्प से कुछ ऐसा परिवर्तन आया, बहुत दिनों के बाद में उनको निद्रा आई और दूसरे दिन उन्होंने अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ माना। सारे घर के लोग खुश थे, लेकिन उनके चेहरे पर वहाँ पर वो खुशी नहीं थी। उन्होंने कहा कि अब मैं एकाकी पने को प्राप्त करूँगा, और वो दीक्षित हो जाते हैं। तो संसार की स्थिति में व्यक्ति पर पदार्थ को अपना मान करके दुखी होता है। चार प्रकार के लोग संसार में होते हैं। एक होते हैं मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है। इसमें आते हैं कौरव, कंस, रावण जैसे लोग, जो कि अधम श्रेणी के कहलाते हैं। पर पदार्थ को प्राप्त करने के लिए ही पूरा जीवन खपा देते हैं और हाथ में कुछ नहीं आता। ऐसे जीवन से
हमारे लिए सीख लेनी चाहिए। दूसरे मध्यम कि मेरा मेरा है, तेरा तेरा है, इसमें पांडव जैसे लोग आते हैं जिन्होंने अपने लिए जो दिया गया था उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया, ये उनसे उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं। और सर्वोच्च उत्तम तेरा तेरा है, मेरा भी तेरा है, इसमें बाहुबली जैसे लोग जिन्होंने युद्ध में जीतने के बाद में भी उसको छोड़ दिया और दीक्षित हो गए, और जो वास्तविक स्वरूप को समझ करके कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं ना तेरा है ना मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है, पर पदार्थ की आसक्ति कितनी पीड़ा दे सकती है। एक अंगारक नाम का जड़िया जो रत्नों को जड़ता था, कौशाम्बी नगरी में पत्नी की आवाज़ सुनकर के कि मुनिराज का पड़गहन का समय हो गया है, आइए, और उस समय में वो पद्मराग मणि को कैसे जड़ू राजा ने दी है चिंतन कर रहा था, और उसने उसको वहीं पर छोड़ करके जाकर के पड़गहन किया। पड़गहन करने के बाद मुनिराज की नवदा भक्ति से वहाँ पर आहार की क्रिया को संपन्न किया और उनको छोड़ने के लिए नगर के द्वार तक आया। महाराज ने उसके हाथ से कमंडल लिया कि बस यहीं तक तुम्हारी सीमा है, और वो लौट करके घर जाता है। घर जाने पर उसको पुनः याद आता है कि मैं उस पद्मराग मणि को जड़ने के लिए सोच रहा था, जहाँ पर छोड़ करके गया था वहाँ पर जाकर के देखता है तो वहाँ पर वो उपलब्ध नहीं हुई। उस समय उसने सोचा कि कौन उठा ले गया, जब आहार चर्या चल रही थी तो कोई देखने भी नहीं आया, कौन ले गया होगा उसको। और उसके मन में राजा ने दी, यदि राजा को अपनी चीज प्राप्त नहीं होगी तो राजा दंड भी दे सकता है, और उसके कारण में उसने सोचा कि हो ना हो इसको मुनिराज उठा करके ले गए। फिर उसने सोचा कि उनको क्या आवश्यकता है, उनके पास में तो तीन तीन अनमोल रतन हैं, इस जड़ रतन की उनको क्या आवश्यकता। लेकिन फिर कि इसके अलावा कोई आया नहीं है, हो सकता है उनको अपने किसी भक्त के लिए देना हो, कोई भक्त संकट में हो उसके लिए देना हो, और हो ना हो वही लेकर के गए हैं और मैं उनसे ये अवश्य ही प्राप्त करूँगा। ऐसे भावों से वो वहाँ पर बड़े वेग से वहाँ पर पहुँचता है, जब तक महाराज की सामायिक प्रारंभ हो चुकी थी, और मन ही मन में कि यदि वो मुझे नहीं देंगे तो मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ऐसे बड़े ही संकल्प विकल्पों के साथ में जब महाराज के पास में पहुँचता है, महाराज ध्यानस्थ थे तो कहता है कि मैं देख रहा हूँ आपने मुझे देख करके आँखें बंद कर ली। व्यक्ति के मन में जब परिग्रह का नशा चढ़ता है तो इस प्रकार की दृष्टि उसकी बन जाती है, और उस समय में यदि आप संपत्ति जो कुछ आप लेकर के आए हो पद्मराग मणि यदि नहीं देते हो तो फिर मैं कुछ और भी प्रयोग कर सकता हूँ। पास ही उसने देखा एक लठ वहाँ पर पड़ा हुआ था, उस लाठी को उठा करके ला करके कहता है कि सीधे सीधे इस का प्रयोग ना करना पड़े उस मणि को मुझे दे दो, और वो हाथ में उस लाठी को घुमाने लगा। उस लाठी में एक छोटा सा टुकड़ा उससे चिपका हुआ था और वो वहाँ पर उछल करके पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ था उसके गले में लगता है, और गले में उसकी जो पद्मराग मणि थी वो वहाँ से गिर करके लुढ़कती हुई मुनिराज और उस अंगारक नाम के जड़िया के बीच में आकर के ठहर जाती है। जब वो देखता है और उस समय में कि अरे मैंने कैसे भाव कर लिए, जिनके चरणों में मैं सिर रखता था उनके सिर पर मैं चरण रखने के लिए तैयार हो गया, धिक्कार है मेरे जीवन को, और चरणों में गिर करके वो रोने लगता है, रुदन करने लगता है। तब तक महाराज की सामायिक का
ध्यान का काल पूर्ण हो जाता है और वो उस दृश्य को देख करके सारा क्या घटा है समझ जाते हैं और उस समय में उससे कहते हैं कि परिग्रह का तो स्वरूप ही ऐसा है, ये व्यक्ति के लिए ऐसा बांधता है। और उस समय में वो कहता है कि मेरा पश्चाताप तो तब होगा जब मैं समस्त परिग्रह का त्याग करूंगा। महाराज कहते हैं चलो अच्छा ही हुआ, इसके निमित्त से तुमने परिग्रह के स्वरूप को तो समझा। और वो कहता है कि मैं आपके पास में फिर से हाजिर होता हूँ। और जा करके उसने राजा से कह दिया कि मैं अब ये कार्य नहीं कर पाऊँगा, और आकर के मुनिराज के पास में दीक्षित हो जाता है। अगले दिन राजा को खबर मिलती है तो राजा स्वयं वहाँ पर उपस्थित होते हैं और उनकी आराधना करते हुए उस पद्मराग मणि को भी उनके चरणों में अर्घ के रूप में समर्पित कर देते हैं। परिग्रह के स्वरूप को इस घटना के माध्यम से हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। और जो परिग्रह के स्वरूप को समझ लेता है वो आकिंचन धर्म का अवश्य ही लाभ उठाता है। ऐसे आकिंचन के स्वरूप को हमें समझना है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जब समाधि चल रही थी उस समय में आचार्य जी सेवा में तत्पर थे और कभी कभी ऐसा लगता था कि वो कहीं निद्रा में तो नहीं है, तो आचार्य जी पूछते थे उनसे कि क्या चल रहा है। तो उस समय में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो कि छपक के रूप में थे वहाँ पर एगो में सस दो आदा नाण दंसन लखणो सेसा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखा, कि ये आत्मा ही मेरी शाश्वत है जो कि ज्ञान दर्शन लक्षण वाली है, बाकी सारे भाव संयोग लक्षण हैं वो मेरे नहीं हैं। सारे संयोग वियोगमय होते हैं। ये दृष्टि जिनके जीवन में बनी रहती है वो कभी भी वियोग होने पर दुखी नहीं होते। एक बार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से किसी ने प्रश्न किया कि जो शादीशुदा स्त्री होती हैं वो कांच की चूड़ियां क्यों पहनती हैं। आपसे यदि प्रश्न किया जाए तो बहुत सारे लोग ऐसा उत्तर देंगे सुहाग की निशानी होती है, लेकिन इसमें भारतीय संस्कृति में जो भी क्रियाएं होती हैं उनमें कुछ ना कुछ रहस्य अवश्य छुपा रहता है। जब विवाह होता है तो उस समय में कांच की चूड़ी अवश्य पहनाई जाती है। वो प्रतीक है कि संयोग तो हो रहा है लेकिन सारे संयोग वियोगमय होते हैं। कब इसका वियोग हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। संयोग करते हुए भी साथ साथ में रहते हुए भी एकाकी भाव को ना भूलें, इसलिए कांच की चूड़ी भारतीय संस्कृति में विवाह के समय पहनाई जाती है, क्योंकि वो इतनी क्षणभंगुर होती है कभी कभी तो पहनते पहनते ही टूट जाती है। एक बार एक कन्या का जब जिस समय में बाल विवाह होते थे विवाह चल रहा था, छोटे छोटे बच्चों के विवाह हो जाते थे तो भंवर के पहले उसको निद्रा आ गई। उसकी माँ ने उसको उठाया कि चलो उठो भंवर का समय हो रहा है। उसने कहा माँ मैंने बहुत खराब सपना देखा। तो उसने पूछा क्या देखा। उसने कहा कि मैंने देखा कि मैं विधवा हो गई। माँ ने कहा ऐसी अशुभ बातें नहीं करते, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। और वहाँ विवाह की वेदी पर जैसे ही वहाँ पर फेरे लगे और जो जिस लड़के से उसका विवाह हो रहा था उसी वेदी पर उसके हृदयाघात के माध्यम से प्राण निकल गए। एक और घटना में माता पिता को इतना राग था अपनी बेटी से, वो सोचते थे इसको विदा कैसे करेंगे। विवाह की तैयारियां चल रही थीं और इसी बीच में दोनों माता पिता को हार्ट अटैक आने के कारण मरण हो गया। और उस समय में विदाई के समय में उसने कहा कि मुझे माता पिता से मिलना है। उन्होंने कहा कि वो तुम्हें देख नहीं सकते,
मैं भी नहीं देख सकती, लेकिन दूर से तो दिखाओ। तो उस समय में दोनों के मृत शरीर को दीवार से टिका करके दिखा दिया और विदा कर दिया। बहुत दिनों के बाद उसको बताया तो उस समय में वो पश्चाताप करती है, रोती है, रदन करती है, कहती है कि मैं बहुत अभागे हूँ। माता पिता के निधन होने पर लोग तो दूर से भी बुला लेते हैं, मैं तो पास में ही थी और मुझे दूर भेज दिया गया। तो कांच की चूड़ी इसलिए पहनाई जाती है कि संयोग तो हो रहे हैं लेकिन ये बात मन में रहे कि कोई किसी का साथी नहीं, सारे जीव एकाकी हैं। फिर पूछा कि विधवा होने के बाद मैं कांच की चूड़ी ना पहन करके स्वर्ण की चूड़ी क्यों पहनाते हैं? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि अब ऐसे क्षणभंगुर रिश्ते संबंध अब हम किसी से नहीं बनाएंगे, अब हमारा संबंध भगवान से रहेगा। भगवान की भक्ति का प्रतीक ये स्वर्ण की चूड़ी जो कि अटूट रहे, भव भव में हमको प्राप्त हो भगवान की भक्ति। समझ सकते हैं कि एक एक क्रियाएं भारतीय संस्कृति की कितना अध्यात्म का रहस्य लिए हुए हैं। कार्तिकेय कुमार जब दीक्षा लेने के लिए गुरु के पास पहुंचते हैं तो उस समय में गुरु उनसे कहते हैं कि पहले थोड़े दिन आकिंचन्य का अनुभव करो। और वो एकाकी जंगल में बहुत दिनों रहने के बाद जब गुरु के पास आते हैं तो उस समय में गुरु पूछते हैं कि तुमने क्या किया। तो वो सुनाते हैं कि मैंने जंगल के फलों को चखा, मैंने जंगल में बहुत सारी मधुर ध्वनियों को भी सुना और भयंकर ध्वनियों को भी सुना। तीसरी बार मैंने बोलते हुए भी उन्होंने सोचा कि मैं कान से सुनता हूँ, मैं आंखों से देखता हूँ, एक इंद्री दूसरे का कार्य नहीं करती, तो मैं कौन हूँ? और उस दिन उनको रहस्य होता है, रहस्य उजागर होता है कि वास्तव में शरीर भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि ये मेरा शरीर है। जिस प्रकार से पर पदार्थ के लिए मैं मेरा कहता हूँ, इसी प्रकार से ये शरीर भी मेरा है, वास्तव में ये मेरा नहीं, ये तो एक क्राय की कोठी है, हर भव में जीव के लिए प्राप्त होती है। ऐसी दृष्टि जब उनके लिए प्राप्त हुई तो उन्होंने वहाँ पर पूर्ण आकिंचन्य भाव को अपने गुरु से प्राप्त कर लिया। आचार्य कहते हैं कि जब पुरी को तेल में सेकते हैं, डालते समय में वो नीचे डूब जाती है। क्यों डूब जाती है? क्योंकि वो अभी पानी के संयोग से युक्त है, और जब उसका पानी जल जाता है तो पूरी ऊपर आ जाती है। उसको जितना भी दबाने का प्रयास करो, बार बार वो ऊपर आ जाती है। संयोग के कारण व्यक्ति अधोपतन को प्राप्त होता है, और संयोग से रहित होने के कारण वो ऊर्ध्वगमन करता है। घी का भी ऐसा ही स्वभाव रहता है। घी के लिए आप डाल करके उस पर कितना भी पानी डालें, घी सबसे ऊपर। तो संयोग के कारण अधःपतन होता है, और संयोग से हटने के बाद में ये आत्मा भी संयोग के कारण में संसार में अधोगति करती है, नीचे जाती है, और जब संबंध टूट जाते हैं तो इसकी गति ऊर्ध्व होती है। ऐसे आत्मा के स्वरूप को समझ करके, और आखिरी में कि हम क्या नियम लें, नियम ये कि थोड़ी देर बैठ करके हमें चिंतन करना चाहिए कि हम कौन हैं। वास्तव में हमने जिस जिसको अपना मान रखा है वो हमारे साथ में केवल संयोग हुआ है, वो हमारे साथ में हमेशा रहने वाला नहीं है। तो आज के दिन थोड़ी देर बैठ करके कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। वास्तव में जो आचार्यों ने कहा है कि ज्ञान दर्शन से युक्त जो आत्मा है वही हमारी है, और कुछ हमारा नहीं है। आज आकिंचन के दिन इस पर थोड़ा सा समय निकाल करके विचार करिए। आचार्य गुणभद्र महाराज ने आत्मानुशासन में कहा है, आकिंचनोह मिथ्यासव
कि मैं आकिंचन हूँ, इस प्रकार से थोड़ी देर बैठो और योगी गम्यम, जो योगियों के लिए प्राप्त है, ऐसा रहस्य को उन्होंने बताया है। तो थोड़ा समय इस पर विचार करें, आकिंचन धर्म क्या है। कोई भी कुछ भी मेरा नहीं, जो आत्मा है वही मेरा है, इस पर विचार करने के लिए थोड़ा सा आज समय निकालिए। इसी भावना के साथ में अब जिनवाणी स्तुति करते हैं। जिनवाणी माता धर्म आकिंचन गाया, जिनवाणी माता धर्म आकिंचन गाया, ना कोई मेरा नाम किसी का, तन भी रहा पराया। जिनवाणी माता धर्म आकिंचन गाया, ज्ञान दर्शन आदि गुणों से सहत आत्मा अपनी है, कर्म भी आते जाते रहते गुरुवर की ये कथनी है। एक परमाणु भी ना अपना, एक परमाणु भी ना अपना, फिर काहे ललचाया। जिनवाणी माता धर्म अकिंचन गाया, बाय परिग्रह दस भेदों का, अभ्यंतर के चौदह भेद, इनका त्याग करें साधु जन, पाए अपना आत्म खेत। तेरा मेरा भाव हटा कर, तेरा मेरा भाव हटा कर, शुद्धात्म में समाया। जिनवाणी माता धर्म अकिंचन गाया, किंचित राग भी रहा शेष तो आकिंचन नानुभव हो। ऐसा भी शास्त्र का ज्ञान भले हो, पर निज का ना परिचय हो। निज पर से अनजान रहेगर, निज पर से अनजान रहेगर, जीवन व्यर्थ गवाया। जिनवाणी माता धर्म अकिंचन गाया, पूर्ण अकिंचन धर्म का पालन साधु जन कर सकते हैं। सच्चा सुख भी उनको हासिल, समता में जब रहते हैं। परिग्रह से हम खुद को बांधें, परिग्रह से हम खुद को बांधें, हर पल है समझाया। जिनवाणी माता धर्म अकिंचन गाया, एकाकी ही आता जग में, एकाकी ही जाता है, पर को अपना मान जगत में, खुद गाफिल हो जाता है। भेद ज्ञान का दीप जलागर, भेद ज्ञान का दीप जलागर, शाश्वत सुख को पाया। जिनवाणी माता धर्म अकिंचन गाया, जिनवाणी माता धर्म अकिंचन गाया, ना कोई मेरा नाम किसी का, तन भी रहा पराया। जिनवाणी माता धर्म अकिंचन गाया। एक बार एक व्यक्ति ने आराधना की और एक देव प्रसन्न हो गए और देव ने पूछा कि मांग वत्स क्या मांगता है। उसने सोचा कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, और उसने कहा कि थोड़ा समय के बाद में मैं आपसे मांगूंगा। और वो संध्या काल था, प्रातः काल का तक का समय उसने ले लिया, और चिंतन करता है रात में कि मैं जमीन मांग लेता हूँ। फिर कहा कि जमींदार को इसका
कर्ज देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। फिर सोचा मैं तहसीलदार बन जाता हूँ, फिर मैं कलेक्टर बन जाता हूँ। ऐसा सोचते सोचते रात भर उसको नींद नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल में जब देवता से बात हुई तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि जब मैं जिसके प्राप्त करने के बारे में सोच रहा था तो मुझे रात में नींद नहीं आई, और जब मुझे वास्तव में प्राप्त हो जाएगा तो मेरी सारी ही नींद हराम हो जाएगी, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये आकिंचन धर्म के लिए अपन इसके माध्यम से भी सीख ले सकते हैं कि वास्तव में जितना जितना हम इकट्ठा करना चाहते हैं उतना उतना अपने से दूर होते जाते हैं। हमें यदि अपने स्वरूप को प्राप्त करना है तो इस आकिंचन धर्म को समझना होगा, अपनाना होगा, तभी हमारा ये दशलक्षण पर्व मनाना सार्थक हो। एक घटना और, आचार्य शांति सागर जी महाराज जब विहार कर रहे थे तो रास्ते में एक अन्य साधु की कुटिया मिली। उसने महाराज से निवेदन किया कि आप यहीं पर विश्राम करिए, कहीं तो विश्राम करना ही था। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने वहाँ पर विश्राम किया, आपस में चर्चा भी हुई, और जब वहाँ से विहार हुआ तो वो छोड़ने के लिए भी आया। और चर्चा करते करते उसने पूछा कि आपको हमारी कुटिया कैसी लगी। आचार्य श्री और बातों पर चर्चा करते रहे, लेकिन उसको चैन कहाँ था, बार बार पूछता कि बताओ ना हमारी कुटिया कैसी लगी, बहुत अच्छी है ना। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कहा कि जब सब कुछ छोड़ दिया है तो इस कुटिया को क्यों ग्रहण कर लिया, इस कुटिया से इतना राग, सब कुछ छोड़ने के बाद में भी यदि इसके राग में रहे तो हमने कुछ भी नहीं पाया। जैसे ही उसने सुना और लौट करके अपनी कुटिया पर दौड़ करके गया और उसने आग लगा दी। धूं धूं करके वो कुटिया जलने लगी, और फिर दौड़ करके वापस आया और फिर चर्चा करने लगा, और चर्चा करते करते फिर बोला कि बताओ ना आप एक बार तो बताओ कि वो आपको कुटिया कैसी लगी थी। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कहा कि तुमने बाहर की कुटिया तो जला दी है, लेकिन अब अपने मन की कुटिया भी जला दो। बस यही है आकिंचन्य धर्म की निर्विकल्प दशा। आखिरी आखिरी में विराम लेते हैं।